कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स कैलकुलेट करना है, बताइए कौन सी मेथड होती है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने की कौन सी मेथड है, पिकनोमीटर, और कोई पिकनोमीटर के अलावा, पिकनोमीटर के अलावा कोई मेथड है, अपार्ट फ्रॉम पिकनोमीटर इज देयर एनी मेथड टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो याद रखिएगा देयर आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड्स होती हैं, पिकनोमीटर मेथड, द फर्स्ट मेथड इज द पिकनोमीटर मेथड, द सेकेंड इज द डेंसिटी बॉटल मेथड, द सेकेंड मेथड इज नोन एज द डेंसिटी बॉटल मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज नोन एज फ्लास्क मेथड। नहीं सुने हो गए ना इसको, फ्लास्क मेथड पहली बार सुन रहे हो गए, पिकनोमीटर और डेंसिटी बॉटल तो सुने हो गए लेकिन फ्लास्क मेथड नहीं सुना होगा आपने शायद, है ना। तो देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इट कैन बी पिकनोमीटर, इट कैन बी डेंसिटी बॉटल, और इट कैन बी फ्लास्क मेथड। अंतर क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिकनोमीटर, डेंसिटी बॉटल एंड या फिर फ्लास्क मेथड। तो याद रखिएगा चाहे पिकनोमीटर हो, चाहे डेंसिटी बॉटल हो, चाहे फ्लास्क हो, ये बर्तन ही तो है, कांच की बॉटल ही तो है, पिकनोमीटर भी कांच की बॉटल थी, डेंसिटी बॉटल नाम से समझ में आ रहा बॉटल ही होगी कोई सी, और फ्लास्क का मतलब तो हम जानते ही हैं, ग्यारहवीं से वो प्रैक्टिकल करते आ रहे थे टाइट्रेशन वाला, उसमें फ्लास्क वगैरह यूज करते थे। सो पिकनोमीटर, डेंसिटी बॉटल और फ्लास्क मेथड में अंतर सिर्फ और सिर्फ इन बोतलों के वॉल्यूम का होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पिकनोमीटर मेथड, डेंसिटी बॉटल मेथड एंड फ्लास्क मेथड इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉटल दैट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कैलकुलेशन के लिए ये जो तीन मेथड्स के नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा बेटा ये सब बातें, इनमें अंतर सिर्फ और सिर्फ इनके बोतलों के वॉल्यूम का है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द बॉटल, द ओनली डिफरेंस इज द वॉल्यूम ऑफ बॉटल्स। सिर्फ बॉटल्स के वॉल्यूम में डिफरेंस है, बाकी करने का तरीका तो वही रहेगा, बस भाई एक बड़ी बॉटल है, एक छोटी होगी, एक बहुत छोटी होगी, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। पिकनोमीटर जो बॉटल है उसका वॉल्यूम होता है 900 ml का, जो पिकनोमीटर की बॉटल है उसका वॉल्यूम होता है 900 ml का, फ्लास्क जो है उसका वॉल्यूम 500 ml का होता है, डेंसिटी का 50 ml होता है, सिर्फ यही डिफरेंस है बिटवीन दी वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स में फर्क होता है बेटा, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात ये, इज दिस क्लियर, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा ये आपसे, किसी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनका अंतर बताइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी आज से कभी पढ़ने बैठे तो कहीं पर पिकनोमीटर लिखा दिख रहा है, कहीं पर डेंसिटी बॉटल लिखा दिख रहा है, तो आप उलझ जाओ, बोलो कि सर ने तो सिर्फ पिकनोमीटर पढ़ा दिया था, डेंसिटी बॉटल पढ़ाया ही नहीं, सर बेवकूफ बना दिए। तो ऐसा नहीं है, पिकनोमीटर बोले चाहे डेंसिटी बॉटल बोले चाहे फ्लास्क बोले, इन तीनों मेथड में अंतर सिर्फ और सिर्फ इनके बॉटल्स के वॉल्यूम का है। द मेथड विल बी एग्जैक्टली सेम, भाई बोतल ही तो अलग हो रही है, एक बड़ी बॉटल है, एक थोड़ी सी छोटी है और एक बहुत ज्यादा छोटी है, करने का तरीका सेम रहेगा वेदर यू यूज पिकनोमीटर और डेंसिटी बॉटल या फिर फ्लास्क। तो मैं एक कॉमन प्रोसीजर बता दे रहा हूं आपको विच विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल दीज थ्री मेथड्स। एक जनरल प्रोसीजर की बात मैं कर लेता हूं कि भाई चाहे पिकनोमीटर की बोतल आपके पास हो, चाहे डेंसिटी बॉटल हो, चाहे फ्लास्क हो, आप किसी में भी ये कॉमन प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चला देखिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या फॉर्मूला मिलेगा और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, करना क्या है चला देखिए। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, स्टेप वन में आप क्या करेंगे कि जो भी बॉटल आपके पास है, चाहे वो पिकनोमीटर बॉटल हो, चाहे डेंसिटी बॉटल हो, चाहे फ्लास्क हो,
ये बॉटल है वो, इट कैन बी पिकनोमीटर, इट कैन बी डेंसिटी बॉटल, इट कैन बी फ्लास्क, एनीथिंग। इस बॉटल का खाली वेट कैलकुलेट कर लो, वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल। अब ये बॉटल कोई सी भी हो, इसलिए मैं बॉटल नाम लिख दे रहा हूं। अब दिस बॉटल कैन बी पिकनोमीटर, क्या थी दूसरी, डेंसिटी बॉटल या फिर फ्लास्क। लेट द वेट ऑफ द एम्प्टी पिकनोमीटर बॉटल इज W1। ठीक है, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, ये जो बॉटल थी आपके पास, इस बॉटल में भर दीजिए उस मिट्टी को जिस मिट्टी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। लेकिन ये मिट्टी में कुछ एक खासियत है, क्या खासियत होगी इस मिट्टी की, ये यहां पे जो सैंपल फिलअप किया है मैंने, इस सैंपल की खासियत बताइए। इस बॉटल में मैंने मुट्ठी भर मिट्टी ले जाके डाल दी, लेकिन वो मिट्टी कोई ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है, उस मिट्टी की क्या खासियत होगी, उस मिट्टी की खासियत बताइए। वेरी गुड पीयूष अग्रवाल, बहुत बढ़िया भाई। आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स, आप निकाल रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स। तो मिट्टी 100% ड्राई होनी चाहिए, द मिट्टी शुड बी, द सॉइल शुड बी परफेक्टली ड्राई। तो ये जो सैंपल है, इट शुड बी अ परफेक्टली ड्राई सैंपल, ये परफेक्टली ड्राई सैंपल होना चाहिए। आई बात समझ में, याद रखिएगा ये, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स निकाल रहे हो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू इंश्योर कि आपके जो सैंपल है दैट शुड बी परफेक्टली ड्राई, मतलब ओवन ड्राइड सैंपल होना चाहिए। थोड़ी देर ओवन में रखेंगे, जब वो सूख जाएगा उसके बाद इसको यूज करेंगे। तो इस बोतल के अंदर में मैंने ये मिट्टी भर दी, और अब मैंने कैलकुलेट किया वेट ऑफ बॉटल प्लस ड्राई सैंपल, और सपोज करिए वो आ गया W2 के बराबर। मैंने कैलकुलेट किया वेट ऑफ बॉटल प्लस ड्राई सैंपल, और ये आ गया W2 के बराबर। ठीक है, तीसरी स्टेप, स्टेप नंबर तीन, इस बॉटल में जो सैंपल भरा था आपने उसको वैसे ही रहने दीजिए, दिस वॉज योर सैंपल, बचे हुए हिस्से में पानी डाल दीजिए, मतलब इस बॉटल को पानी से भर दीजिए। मिट्टी जो पड़ी थी, मिट्टी पड़ी रहेगी इसके अंदर में, और बाकी बचा जो हिस्सा था उसमें पानी डाल दीजिए। याद करिए, ऐसे ही तो किया था हमने वाटर कंटेंट में भी, ऐसा ही तो कुछ काम किया था वाटर कंटेंट के कैलकुलेशन में भी, यही तो स्टेप्स थी। बस अंतर क्या आया, अंतर यह आया कि ये जो सेकंड स्टेप में आपने सैंपल लिया है यहां पर, वो ड्राई है। जब वाटर कंटेंट निकाला था आपने, तो वाटर कंटेंट में जो सैंपल लिया था वो ड्राई नहीं था, क्योंकि ड्राई सैंपल लेते वाटर कंटेंट में, तो फिर वाटर कंटेंट निकालने का मतलब ही क्या था, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आपने किया दिस वॉज योर सैंपल एंड दिस इज योर वॉटर, तो अब आप निकाल लीजिए इसका पूरे का वेट, वेट निकालिए, तो यह आ जाएगा वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंपल प्लस वॉटर, सपोज करिए आ गया W3, सपोज करिए इट कम्स आउट टू बी W3। स्टेप नंबर चार, इस बॉटल में सिर्फ पानी भर दीजिए, अब इस बॉटल को खाली करिए और इस बॉटल में सिर्फ पानी भर दीजिए, ओनली वॉटर, इस बॉटल में सिर्फ पानी भर दीजिए और वेट निकाल लो, तो क्या आएगा वेट ऑफ बॉटल प्लस वॉटर दैट इज इक्वल टू W4। चार वेट आ गए मेरे पास, W1 खाली बोतल का वेट, W2 बोतल प्लस मिट्टी का वेट, W3 बोतल प्लस मिट्टी प्लस पानी का वेट, W4 बोतल प्लस पानी का वेट। बताइए भैया, ये चार वेट में कोई दिक्कत, इफ देयर एनी डिफिकल्टी इन दीज फोर वेट्स ऑफ द सॉइल, मतलब ये चार वेट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट। W1, W2, W3, W4,
W1 खाली बॉटल, W2 बॉटल प्लस सूखी मिट्टी, W3 बॉटल प्लस मिट्टी प्लस पानी, W4 बॉटल प्लस पानी। क्लियर है? ये चार वेट मेरे पास आ गए। अब इसका क्या करना है? चार वेट तो आ गए मेरे पास। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जरा देखिएगा। इन चारों कंडीशंस को मैं यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं छोटे छोटे डायग्राम में। ये खाली बॉटल का वेट था W1, थोड़ा सा नीचे से लिखना पड़ेगा क्योंकि वो स्क्रीन पे कट रहा है शायद। हाँ अब ठीक है। ये खाली बॉटल का वेट था W1, फिर इसके बाद इस बॉटल में आपने रखा थोड़ा सा मिट्टी का सैंपल, तो ये वेट आया था W2। तीसरी स्टेप में आपने इसी बॉटल में जो सैंपल था वो तो रखा ही रहा, और इसके अलावा आपने इसमें पानी ऐड कर दिया, ये आ गया W3। और चौथी स्टेज में आपने इस बॉटल के अंदर में सिर्फ पानी भर दिया W4। मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। आई हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स। एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आया ये समझना यहां पर जरूरी है। यहां पर एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग करेंगे, बिकॉज दैट डेरिवेशन इज एक्चुअली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझने के लिए ये डेरिवेशन समझना जरूरी है। तो जरा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितना होगा, व्हाट विल बी द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, बताइए भैया। ये चार डायग्राम बने हुए हैं। W1 है खाली बॉटल का वेट, W2 है बॉटल प्लस सैंपल का वेट, W3 है बॉटल प्लस सैंपल प्लस पानी, और W4 है बॉटल प्लस पानी। तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। कैन आई से दैट द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स विल बी W2 माइनस W1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। W1 खाली बोतल का वेट था और W2 बोतल प्लस मिट्टी का वेट था, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो बोतल का वेट गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सैंपल का वेट। ये आ गया, ये आ गया आपके पास। चलिए एक और काम बताइए मुझे, एक और चीज बताइए जरा। वेट ऑफ वॉटर इन स्टेप 3, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4 है। मुझे बताइए व्हाट इज द वेट ऑफ द वॉटर इन स्टेप 3। स्टेप 3 में पानी का वेट कितना होगा, सोचिए 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 सोचिए। वेरी गुड पीयूष, धीरज एंड अर्चित, शुभम, हर्षित, बहुत बढ़िया। नाना, गीतिका गीतिका गीतिका, गलत गलत गलत। रजत पाटीदार सही, ऋतु सिंह सही, आशीष कुमार, बेटा स्टेप 3 में पूछ रहा हूं तो स्टेप 4 वाला क्यों कर रहे हो अभी, वो भी करवाऊंगा चिंता मत करो। मैं स्टेप नंबर 3 में कितना पानी है वो पूछ रहा हूं। सिंपल मैथमेटिक्स, कोई सिविल इंजीनियरिंग नहीं लगानी है, सिंपल मैथ्स लगाना है। तो भाई जरा देखिए इस तीसरी स्टेप में जो पानी है उस पानी का वेट कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेप 2 में जो मेरे पास कंडीशन थी वो सिर्फ सैंपल और बॉटल थी, ये स्टेप 2 थी मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। स्टेप 2 में बॉटल के अंदर में सिर्फ सैंपल था, और स्टेप 3 में वो सैंपल तो एज इट इज है और इसके ऊपर मैंने पानी भर दिया है, ये स्टेप नंबर 3 थी। तो मुझे स्टेप 3 में कितना पानी आया वो चाहिए, तो W3 माइनस W2 कर दूं, बताओ भैया। W3 माइनस W2 विल बी द वेट ऑफ द वॉटर प्रेजेंट इन स्टेप नंबर 3। जिन्होंने भी W4 माइनस W1 बोला या कुछ और बोला उनको क्लियर है? तो वेट ऑफ द वॉटर इन स्टेप 3 विल बी इक्वल टू W3 माइनस W2। क्लियर? अब बताइए जरा एक और चीज, वेट ऑफ वॉटर इन स्टेप 4
वेट ऑफ द वॉटर इन स्टेप फोर. स्टेप फोर में पानी का वेट कितना होगा भैया? अब आएगा W4 फोर माइनस डब्ल्यू वन. नाउ इट विल बी W4 फोर माइनस डब्ल्यू वन, है ना भाई? स्टेप फोर में बॉटल और पानी है और स्टेप वन में सिर्फ बॉटल है, तो इस स्टेप फोर के वेट को स्टेप वन से माइनस करोगे तो आपको पानी का वेट मिल जाएगा. क्लियर? ये तीन कंडीशन समझ में आ गई, वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, वेट ऑफ द वॉटर इन स्टेप थ्री एंड वेट ऑफ द वॉटर इन स्टेप फोर. अब एक ध्यान से सुनिए एक स्टेटमेंट. अब एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना है आपको और मुझे उसका आंसर बताना है. स्टेप तीन में, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप तीन में सॉलिड्स मतलब सॉइल भी है और पानी भी है. ये सॉइल थी जो हरे कलर से दिख रही है, ये सॉइल थी और ऊपर जो लाल कलर से दिख रहा है वो पानी था. स्टेप टू में सिर्फ सॉइल थी, ये सिर्फ सॉइल है, ये भी सिर्फ सॉइल है. अब जरा ध्यान से बताइए मुझे एक चीज, स्टेप थ्री में सॉइल और पानी दोनों था बोतल के अंदर में, और स्टेप फोर में बोतल में सिर्फ पानी था. तो इन दोनों में अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं कि जितने वॉल्यूम की सॉइल हटी होगी उतने ही वॉल्यूम का पानी तो स्टेप फोर में आया होगा, हाँ या ना बताइए? स्टेप तीन में पानी और सॉलिड्स मतलब पानी और सॉइल दोनों थी और स्टेप फोर में सिर्फ पानी था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्टेप तीन में जितने वॉल्यूम की सॉइल हटाई थी उतने ही वॉल्यूम का और पानी आपने यहां पर डाला था? यह बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को क्लियर है यह बात? जितने वॉल्यूम की सॉइल हटी होगी उतने ही वॉल्यूम का पानी आ गया होगा स्टेप नंबर चार में. यह सबको क्लियर है एकदम? चलिए अब यहीं से एक बात बताइए मुझे. अब जरा एक ध्यान से, एक मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, आप सभी लोग बताएंगे मुझे. मुझे बताइए जरा एक वैल्यू जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. वेट ऑफ वॉटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ये सपोज करिए इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन थ्री है. अब आपसे मैंने पूछा है ये वैल्यू, जरा बताइए, वेट ऑफ द वॉटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वेट ऑफ द वॉटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. Weight of the water having equal volume of soil solids. बताओ 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 बताओ. अर्चित, धीरज एंड शुभम, फिर से सोचिए. पीयूष अग्रवाल, वेरी गुड. पीयूष अग्रवाल ने सही जवाब दिया. ध्यान से देखो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं. वेरी गुड आशीष कुमार, वेरी गुड सकलेन मिर्जा, विश्वजीत, बहुत बढ़िया. ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं. वेट ऑफ द वॉटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इससे पहले जो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था उसको ध्यान करिए, जितने वॉल्यूम की मिट्टी हटी है उतने ही वॉल्यूम का तो पानी आया होगा एक्स्ट्रा. जितने वॉल्यूम की मिट्टी आपने स्टेप नंबर तीन में थी उतने ही वॉल्यूम का तो पानी एक्स्ट्रा आया होगा स्टेप नंबर चार में. तो बताइए वेट ऑफ द वॉटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितना होगा? हर्षित गर, W2 माइनस W1 तो वेट ऑफ द सॉलिड्स हो जाएगा बेटा. मैं तो पानी का वेट पूछ रहा हूं, पानी का वेट कितना, उतने वॉल्यूम के पानी का वेट पूछ रहा हूं जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड्स था.
उतने वॉल्यूम के पानी का वेट पूछ रहा हूं जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड्स था। भाई सिंपल सी बात है, इट विल बी इक्वल टू W4 माइनस W1 माइनस ऑफ W3 माइनस W2। आपको नहीं लगता ये हो जाएगा? सिंपल मैथ से बेटा, सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी है ये, ये तो एप्टीट्यूड कर रहे हैं हम लोग, एप्टीट्यूड के सवाल है कायदे से। ये एक बोतल में से चार चीजें निकाल ली और उतनी ही बराबर की कोई दूसरी चीज इंक्लूड कर दी तो वेट कैलकुलेट करना, ऐसा सब एप्टीट्यूड में करते हैं, सिविल में थोड़ी करते हैं। जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड्स हटाया है उतने ही वॉल्यूम के पानी का वेट कितना होगा भैया? इतना ही तो होगा। अब ये तो आपको समझना पड़ेगा ना बेटा, ये तो मैथ्स है। मैक्सिमम ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है बेटा थोड़ा सा सोच के देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं। वेट ऑफ द वॉटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहां से हटा है, ये क्या था जरा देखिएगा ध्यान से, वेट ऑफ द वॉटर इन स्टेप 3 और वेट ऑफ द वॉटर इन स्टेप 4, जो डिफरेंस होगा उतना ही तो एक्स्ट्रा पानी डाला है आपने। इन दोनों वेट में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के वेट में जो डिफरेंस होगा उतना ही पानी तो ऐड किया है आपने, बताओ ये समझ में आई कि नहीं बात? और बनी बात है, ये जो पानी ऐड किया है आपने उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा? जितने वॉल्यूम का सॉइल था, जितने वॉल्यूम का सॉइल था उतना ही तो पानी ऐड करोगे ना भाई। जैसे सपोज करिए ये बॉटल आपकी है, पिकनोमीटर जैसा भी दिख रहा है, ये बॉटल आपकी है, सपोज करिए इस बॉटल में, सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अब ये ट्रांसपेरेंट भी तो नहीं है, चलो खैर सोचो जरा, बस इतना ध्यान से देखो कि जितना ये स्टील पोर्शन दिख रहा है, जितना ये स्टील पोर्शन दिख रहा है उसमें कोई एक मटेरियल था और जितना ये रेड पोर्शन दिख रहा है उसमें कोई दूसरा मटेरियल था, ठीक है। मैंने इस रेड पोर्शन वाले मटेरियल को हटा के उतना ही ये वाला मटेरियल और ऐड कर दिया है, तो वही तो काम कर रहा हूं यहां पर ना मैं। अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एवरीवन क्लियर विद दिस? चलिए अगर क्लियर है तो जरा मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉटर। जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड्स था उतने ही वॉल्यूम का पानी चाहिए, इन दोनों का रेशो ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इन दोनों का रेशो ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। जरा मुझे बताइए वेट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितना निकाला आपने? W2 माइनस W1 निकाला। वेट ऑफ द सॉलिड्स कितना निकला? W2 माइनस W1। जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड था उतने ही वॉल्यूम के पानी का वेट कितना निकाला? अभी निकाला हमने, कितना निकाला? W4 माइनस W3 नहीं, क्या था? W4 माइनस W1 माइनस ऑफ W3 माइनस W2। भाई जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड्स था उतने ही वॉल्यूम के पानी का वेट तो यही था, बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया ये? अरे बोलो, तो ये बन गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। This is the specific gravity of soil solids. ये फॉर्मूला तो देखे होगे ना,
ये फॉर्मूला तो किताबों में देखे होगे ना, दिस फॉर्मूला यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर बुक्स, किताबों में पढ़े होगे। तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है। डेरिवेशन याद रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। डेरिवेशन याद रखना चाहे तो रखें, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखें, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में भी तकलीफ है, अभी इस फॉर्मूले में भी तकलीफ है। क्या तकलीफ है इस फॉर्मूले में? तकलीफ यह है कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने कैलकुलेट करी है, दैट इज W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, ये जो फॉर्मूला आपका आया है, इस फॉर्मूले के पीछे कहानी यह है कि यह फॉर्मूला आपको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, नो डाउट। लेकिन दिस प्रैक्टिकल मस्ट बी परफॉर्म्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये प्रैक्टिकल जो आपने किया है, ये जो वेट वगैरह का कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन शुड बी डन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है। एसएससी पाटीदार जी, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कैलकुलेट करते हैं, दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी मस्ट बी कैलकुलेटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल उठता है कि सर अगर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट नहीं होगी? ये सवाल तो आएगा कि भाई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा टेम्परेचर 27 ही रहे। और एक और चीज समझ लीजिए, 27 सिर्फ कहने की बात है, भारत में रह रहे हैं तो 2-4 डिग्री कम ज्यादा होगा चलेगा, है ना, उससे फर्क नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल जो कोडल प्रोविजन है वो यही कहता है कि दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी मस्ट बी कैलकुलेटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर 27 डिग्री का टेम्परेचर मेरे पास नहीं है, मान लीजिए मैं यूरोप में हूं, जहां पर टेम्परेचर नेगेटिव में है, या 1-2-3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और मेरे कमरे में क्लाइमेट कंट्रोल करने का या टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई उपाय मौजूद नहीं है, तो क्या मैं हाथ खड़े कर दूं कि भैया नहीं निकाल पाऊंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी? बोलो भाई, अगर कुछ भी करके 27 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहा हूं मैं मेरे लेबोरेटरी में, वट एवर बी द रीजन, नहीं हो पा रहा मेरे से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन, तो क्या मैं हाथ खड़े कर दूं, बोल दूं कि भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि 27 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं मिल रहा मुझे? बोलो, फिर क्या करेंगे? बोलो, फिर क्या करना चाहिए? अगर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपके पास मेंटेन नहीं हो रहा है, तो जो टेम्परेचर है आपके पास, जो भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दो। सुनिएगा ध्यान से, अगर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दो और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकाल दो, ठीक है? लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने निकाली है उस टेम्परेचर पे, जो कि 27 नहीं था, उस टेम्परेचर पे जो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है, दैट विल नॉट बी द स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं कहलाएगी। आपको उस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एक ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पे जो कि 27 डिग्री पे मिलनी चाहिए थी। समझे बात? क्या बोला मैंने कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं है आपके पास, तो भी आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उस टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिलेगी, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होगी। आपको उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को 27 डिग्री सेल्सियस वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बता रहा हूं ना, धीरज रखो, बता रहा हूं। कैसे करेंगे बताया जाएगा।
अभी तो मैंने सिर्फ कहानी बताई है ना कि ऐसा करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा वो तो मैं बताऊंगा ना, ठीक है ना। जरा देखिए, तो एक नोट डाल लीजिए यहां पर, थोड़े से दूसरे रंग से नोट डालते हैं। किस रंग से डालें? चलिए इस रंग से डालते हैं। तो नोट आपका यह कहता है कि इफ टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, इफ टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी एट द करंट टेम्परेचर। देन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट द करंट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है उस समय पे उस पर कर लीजिए। ये टी जो कि 27 नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, -10 हो सकता है, +50 हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन 27 नहीं है। तो जो भी टेम्परेचर आपके पास है उस टेम्परेचर पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर दो। लेकिन बट दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी, बट दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी विल नॉट बी दी स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, विल नॉट बी दी स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये नोट याद रखिएगा कि अगर टी की वैल्यू 27 डिग्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे, ये तो बहाना मिल जाएगा फिर भाई। कॉलेज में पता चले वाइवा कॉलेज में प्रैक्टिकल देने गए और वहां जाके प्रोफेसर से भिड़ लो कि बोला सर 27 सही नहीं टेम्परेचर में, कैसे करूं ये प्रैक्टिकल, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं है, यू कैन परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल एट एनी टेम्परेचर। आशीष 27 डिग्री द रूम टेम्परेचर एंड इट कैन बी अचीव्ड एनीवेयर, मान रहा हूं बेटा इस बात को मान रहा हूं, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। आशीष कुमार एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर बेटा, मैं बोल रहा हूं ना कि मान लीजिए ऐसी कंडीशन आई कि नहीं मेंटेन हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, लेबोरेटरी जो आपकी है, जो कमरा आपका है, वहां पर टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई डिवाइस नहीं है आपके पास। वर्स्ट कंडीशन मान के चलना पड़ेगा ना कि भाई कभी ऐसा हो गया, 100 में से एक बार कभी ऐसा हो गया कि भैया टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन नहीं हो पाया, उस कंडीशन के लिए बता रहा हूं। क्लियर है आशीष कुमार? तो अगर टेम्परेचर 27 नहीं है तो यू विल कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट द गिवन टेम्परेचर, बट ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होगी, एंड दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। वो कैसे होगा धीरज जी देखिएगा, सपोज करिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अरे यार सपोज करिए ये वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो आपने टी डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करी थी, इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेटेड एट टी डिग्री सेल्सियस विच वॉज नॉट इक्वल टू 27। ये वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो आपने टी डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करी और ये टी की वैल्यू 27 नहीं थी, एंड जी इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, मुझे ये जी की वैल्यू चाहिए, दिस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, मुझे ये जी की वैल्यू चाहिए। मेरे पास है क्या अभी? मेरे पास ये वैल्यू है, आई एम हैविंग दिस वैल्यू एंड आई रिक्वायर दिस वैल्यू, यही है कहानी। मेरे पास जी एट टी डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है और मुझे इस जी की वैल्यू चाहिए। तो सीधा सा कन्वर्जन का तरीका है, याद रखिएगा धीरज, देखिए जी एट टी डिग्री सेल्सियस ये है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास है, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर
एट टी डिग्री सेल्सियस। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हर टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, दैट आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज। गूगल करके देख लेना, जैसे गूगल पे डालोगे द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो एक चार्ट दे देगा आपको, हर टेम्परेचर पे पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी बता देगा। 4 डिग्री पे 1, उसके आगे पीछे में कभी 0.998 हो सकती है, कभी 1.001 हो सकती है, जो भी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपको चाहिए है इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्जन का तरीका है बाय विच यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब देखिए जरा, इसमें ये आपके पास अवेलेबल है, जी एट टी डिग्री सेल्सियस आपके पास अवेलेबल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस आपके पास अवेलेबल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस आपके पास अवेलेबल है। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम हियर। बताइए भाई, क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? आशीष कुमार, क्लियर? धीरज, धीरज अमृते, क्लियर? चलिए अब कुछ और बातें देख, ये नोट डाउन कर लिए हैं? नोट डाउन हो गए ये सब बातें? चलिए अब कुछ और जरूरी बातें, कुछ और जरूरी बातें। ये जो पिकनोमीटर मेथड आपने यूज करी है, ये जो पिकनोमीटर मेथड आप यूज कर रहे हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो पिकनोमीटर मेथड आप यूज कर रहे हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखनी है। पहली बात, पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वॉटर टेम्परेचर, सर ये क्वेश्चन में दी रहेगी? हाँ बेटा दी रहेगी, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर कभी आता है तो आपको पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों टेम्परेचर की दी रहेगी, 27 की भी और जिस टेम्परेचर पे आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उस टेम्परेचर की भी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरली हम हमारे पर्पस के लिए 1 मानते हैं, लेकिन हाँ टेम्परेचर के साथ पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी थोड़ा बहुत फर्क आता है। किसी टेम्परेचर पे 0.999 हो सकती है, किसी टेम्परेचर पे वो 1.001 भी हो सकती है, यही फर्क आता है। धीरज ठीक है ना बेटा? तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट्स फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। तो क्या मैं इस मेथड को फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं करूं? आशीष अब आपके सवाल का जवाब मिलेगा यहां पे, जो आपने शुरुआत में पूछा था कि हवा निकालना क्यों जरूरी है। तो पिकनोमीटर मेथड में मैंने आपसे बोला कि ये मेथड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा करेक्ट रिजल्ट देती है, तो क्या मैं इसको उसके लिए यूज नहीं कर सकता फाइन ग्रेन सॉइल के लिए? कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप इस मेथड को फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल ऑल्सो, लेकिन 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 कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको इसमें, एक चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या है? एनी वन ऑफ यू
कोई मुझे बता सकता वो चेंज क्या रहेगा? आप इसको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन चेंज क्या रहेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा? इसके आगे मैं बट लिख रहा हूं, लेकिन उस बट के आगे की कहानी बताइए क्या होगा। आप इसको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको अपने प्रोसीजर में या कहीं चीज में। और क्या चेंज रहेगा, वो क्या चेंज करना पड़ेगा? एनीवन? शुभम बेटा, सैचुरेटेड सैंपल ले लेंगे तो सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकलेगी? अगर आप सैचुरेटेड सैंपल ले लोगे तो सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालोगे? यहां तो सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं ना। अगर फाइन ग्रेन सॉइल अगर आप फाइन ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या चेंज करना पड़ेगा? अरे बेटा ऋतु, ड्राई सॉइल तो उसमें भी थी ना। कोई सी भी सॉइल लोगे आप, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो तो इट विल बी अ ड्राई सॉइल, चाहे वो कोर्स ग्रेन्ड हो चाहे फाइन ग्रेन्ड हो, ड्राई सॉइल ही लेनी पड़ेगी। वेरी गुड पीयूष अग्रवाल। यहां पर अगर आप फाइन ग्रेन सॉइल यूज कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय यूजिंग पिकनोमीटर, सो बट की जगह पे देन कर दे रहा हूं, देन यूज केरोसिन इन प्लेस ऑफ वॉटर, पानी की जगह पे केरोसिन का यूज करना पड़ेगा भैया। जो पानी भर रहे थे ना बोतल में, उस पानी की जगह पे केरोसिन का यूज करना पड़ेगा, घासलेट का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल, जो भी बोलिए। यू विल हैव टू यूज केरोसिन इन प्लेस ऑफ वॉटर। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, केरोसिन क्यों यूज करेंगे? व्हाई दिस केरोसिन विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वॉटर, ये याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कहीं पर। अगर आप पिकनोमीटर मेथड यूज कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉइल आपकी फाइन ग्रेन सॉइल है, तो वहां पर यू विल प्रेफर केरोसिन ओवर वॉटर, अगर सॉइल फाइन ग्रेन है तो। कोर्स ग्रेन में तो पानी यूज करना है, कोर्स ग्रेन सॉइल है तो पानी ही यूज करेंगे, लेकिन अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो आपको पानी की जगह पे केरोसिन यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये उतार लीजिए, उतारना हो तो इसको उतार लीजिए अपने शब्दों में, छोटे छोटे से, छोटे छोटे सेंटेंस बना के उतार लीजिए इसको, सो दैट मैं आगे की बात बताऊं फिर। हो गया, नोट कर लिया सभी ने? चलिए, अब सवाल उठता है कि अगर सॉइल आपकी फाइन ग्रेन थी, अगर आपकी सॉइल फाइन ग्रेन थी तो केरोसिन क्यों, वाटर क्यों नहीं, केरोसिन क्यों, वाटर क्यों नहीं? उसका एक रीजन जो आप बोलेंगे इंटरव्यू में, बिकॉज जो केरोसिन है इज अ बेटर वेटिंग एजेंट। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, ये वेटिंग एजेंट से क्या लेना देना है? किताबों में तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि केरोसिन जो है दैट इज अ बेटर वेटिंग एजेंट देन वाटर, लेकिन इससे क्या, ये वेटिंग एजेंट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटिंग एजेंट? तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है, आप जब पानी डाल रहे थे मिट्टी के अंदर में, मिट्टी के अंदर में पानी डाल रहे थे, तो आपका मेन पर्पस क्या था? आपका पर्पस था एयर को रिमूव करना। आशीष ध्यान से सुनिएगा, आपका मेन पर्पस था एयर को रिमूव करना। अब एयर को क्यों रिमूव कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिमूवल ऑफ एयर? यही सवाल था ना आशीष आपका, कि एयर को रिमूव करके क्या हो जाएगा? एयर का वेट तो जीरो होता है, लेकिन एयर का वॉल्यूम तो होता है, एयर का वॉल्यूम तो होता है ना, वेट जीरो है मान लिया मैंने, मेरी मिट्टी के अंदर में हवा है चाहे ना है, मिट्टी के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिट्टी के वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर में से पूरी हवा बाहर नहीं हुई है, भाई मैं क्या चाह रहा हूं,
मैं चाह रहा हूं कि जितना सॉइल रिप्लेस किया था मैंने, जितना सॉइल सॉलिड हटाया था, उसकी जगह पे सिर्फ पानी आए, मान लीजिए उसकी जगह पे हवा आ जाए, तो जो मैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर कैलकुलेट कर रहा था ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वेट ऑफ द वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो कैलकुलेट कर रहा था, वो सही नहीं मिलेगा अगर हवा मौजूद हो मेरी सॉइल के अंदर में। अगर मेरी सॉइल के अंदर में हवा है तो आप सोच सकते हो ना कि हवा भी तो कुछ जगह घेर के रखी होगी, हवा ने भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा होगा, तो मेरे जो वॉल्यूम के कैलकुलेशंस थे वो गलत हो जाएंगे ना। भाई मुझे क्या चाहिए था, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वॉटर। लेकिन मान लीजिए सॉलिड्स और पानी के अलावा उसके अंदर में हवा भी है, तो वो जो वॉल्यूम आप देख रहे थे वो वॉल्यूम गड़बड़ हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई। स्पेसिफिक ग्रेविटी के कैलकुलेशन में खेल तो वॉल्यूम का ही है, जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड था उतने ही वॉल्यूम का पानी का वेट चाहिए आपको। बात समझ पा रहे हैं ना भाई, जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड था उतने ही वॉल्यूम का तो पानी चाहिए था। और मान लीजिए सॉलिड्स और पानी के अलावा हवा भी मौजूद होती उसके अंदर में, तो वॉल्यूम के कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती, हाँ या ना? अरे बोलो, समझ में आई बात? तो एयर के होने नहीं होने से मेरे सॉइल के वेट में फर्क नहीं पड़ेगा, आई एक्सेप्ट दिस, लेकिन सॉइल के वॉल्यूम में तो फर्क पड़ेगा। अब बात आती है कि केरोसिन क्यों यूज करना है, क्योंकि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है इसके वॉइड्स का साइज छोटा होता है। वॉइड रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं, वॉइड्स के साइज की बात कर रहा हूं। जो मेरी फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसके वॉइड्स का साइज छोटा होता है, और जब मैं उसमें पानी डालता हूं मिट्टी के अंदर में, तो चांसेस हैं कि वो पानी सारे वॉइड्स में ना पहुंच पाए, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल के वॉइड्स का साइज छोटा होता है। तो जब मैं पानी डालता हूं, पानी को डालने का मेन पर्पज है हवा को बाहर करना, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल में ऐसा हो सकता है कि वो पानी सॉइल के सारे वॉइड्स में पेनिट्रेट ना कर पाए। लेकिन अगर केरोसिन यूज करेंगे तो केरोसिन पानी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा पेनिट्रेशन करेगा सॉइल के अंदर में, और ज्यादा आसानी से हवा को बाहर निकालेगा। आई बात समझ में? ये वेटिंग एजेंट का मतलब सिर्फ यही होता है, इट कैन ईजली रिमूव द एयर वॉइड्स फ्रॉम द सॉइल। इट कैन ईजली रिमूव द एयर वॉइड्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि यह ज्यादा अंदर तक घुसेगा, ज्यादा अंदर तक वार करेगा, सॉइल के सारे वॉइड्स में घुसने की कोशिश करेगा, और सारे वॉइड्स में घुसने की कोशिश करेगा तो हवा बाहर कर देगा। बोलो भाई आशीष, अभी क्लियर हुआ बेटा? आशीष, बाकी लोगों को? सभी लोग क्लियर विद दिस कंसेप्ट? चलिए, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। कर सकते हो लेकिन ना करें। वाटर कंटेंट निकालने के लिए केरोसिन क्यों यूज करोगे बेटा, वहां तो पानी का ही कंटेंट निकालना था, वहां पे नहीं यूज करेंगे। करने को कर लीजिए, लेकिन फिर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, वो जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें चेंज हो जाएगा, यहां पर भी चेंज होगा फॉर्मूले में। अगर केरोसिन यूज कर रहे हो पानी की जगह तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी। कैसे जरा देखिएगा, अगर आप केरोसिन यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा जरा वो देखिएगा। क्या निकाला था आपने फॉर्मूला? दैट वाज W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। ये फॉर्मूला निकाला था हमने, ये तो तब था जब हमने पानी यूज किया था, ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब आपने पानी यूज किया था। लेकिन अगर आप केरोसिन यूज करोगे
तो इसके साथ आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन विद दिस फॉर्मूला. अगर आप केरोसिन यूज कर रहे हो तो, पानी यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर आप पानी यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पानी की जगह पे केरोसिन यूज कर रहे हो तो आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में ये चेंज आएगा. यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन विथ जीके, वेयर जीके इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन. जीके जो है दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन. बताओ भाई, क्लियर हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हर छोटी छोटी बात भी? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाला जाएगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारी चीजें सबको क्लियर? यहां पे जीके क्या है तो जीके बता दीजिएगा, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन. जीके इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन. अगर क्वेश्चन आएगा तो ये दिया जाएगा वैल्यू. चलिए, ये तो बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी के कैलकुलेशन की और सारी चीजें हमने पढ़ ली कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या लिमिटेशंस हैं मेथड्स की, क्यों कोर्स ग्रेन के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, फाइन ग्रेन में क्यों केरोसिन यूज करेंगे और केरोसिन यूज करेंगे तो क्या चेंज आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे टेम्परेचर पर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या चेंज आपको दिखाने हैं अपने कैलकुलेशंस में, वो सारी बातें बता दी. एंड दिस इज ऑल अबाउट द मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के कैलकुलेशन का ये कहानी यहाँ पे खत्म.